हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है एंड 2600 के ऊपर एट द मोमेंट ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने एक डाउनफॉल देखा, उसके बाद अच्छा खासा स्टॉक में बाउंस बैक आया, बट देयर इज अ रेंज बाउंड। 2200 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट एंड 3000 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस, पर उससे पहले 2800 इज आल्सो अ रेजिस्टेंस। सो जब भी ये स्टॉक आपको 2400 के नीचे मिले, आपको बाई करना है एंड 2800 आए तो प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर। आज जो बाउंस बैक है उसके पीछे दो रीजन, एक है मार्केट का बाउंस बैक एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ब्रोकरेज टारगेट। ब्रोकरेज ने हीरो मोटोकॉर्प के टारगेट को अपग्रेड किया। जिस तरह से पेट्रोल का प्राइस कंट्रोल में आ गया है, क्रूड का प्राइस गिर रहा है, सो आने वाले टाइम में सेल बढ़ सकते हैं, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है। एंड ऑलरेडी इसके जो पीयर्स कंपनी है जिसमें टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, आइशर भी भाग चुका है, बजाज भी भाग चुका है, पर कंपेयरिंग टू दैट हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक का प्राइस है उतना नहीं भागा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के एवरेज ब्रोकरेज टारगेट है वो भी 3000 के करीब है, सो यहाँ से भी 10% का मूव आप स्टॉक में देख सकते हो। प्राइस रनिंग 22 का है जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। एंड मार्केट कैप अगर हम देखें 52,000 करोड़ के ऊपर है ना। अगर टेक्निकल्स को एनालाइज करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम RSI MFI कहते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। MFI में इसका 38 है, RSI में 47, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में एक ही रेंज में किसी भी तरफ का मूवमेंट दे सकता है। आने वाले टाइम में मार्केट करेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है या फिर मार्केट रिकवरी में ये 3000 तक भी जा सकता है, बट वहां पे बहुत बड़ा हर्डल है। अगर हमें स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें तो 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है 2600 एंड 100 डे 2528। सो एज आई सेड, टेक्निकली स्टॉक बहुत स्ट्रांग इसलिए लग रहा है कि आज स्टॉक ने 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर का मूवमेंट दिया है जो है 2606, यानी 2600 के ऊपर का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगर स्टॉक क्लोज होता है सो आने वाले टाइम में और भी ऊपर के टारगेट्स आएंगे, बट 2600 के नीचे आता है सो डेफिनेटली आपके पास 2500 का एक स्टॉप लॉस है जो 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। सो इन दैट केस आप स्टॉप लॉस लगा स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो। अगर बाई करना है तो 2600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है वहां पे आप बाई करो, अदरवाइज नीचे अगर मिले 2550 2500 वहां पे आपको बाई करना है। अदरवाइज एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग। आई थिंक क्लोजिंग तक मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि मार्केट इज वेरी वोलाटाइल। अगर हम इस स्टॉक के हाई लो को देखें, आप देख सकते हो 1 वीक का जो लो है 2433 एंड 2639, 2400 इज अ बिग बिग सपोर्ट एंड उसके नीचे 2200 है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ हाई देखें 2800 जहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 3 मंथ हाई पे 2800 है एंड 2200 जो 3 मंथ लो है, सो दैट इज अ रेंज बाउंड। उसके पहले ये जो 24 एंड 2600 है वहां पे स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट करता है, टाइम स्पेंड करता है एंड किसी एक तरफ का ब्रेकआउट भी स्टॉक में आता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज आई सेड फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लास्ट जो क्वार्टर था इन दैट क्वार्टर जो रिजल्ट है कंपनी के उतने अच्छे नहीं है। कंपेयरिंग टू दिसंबर क्वार्टर रेवेन्यू घटा एंड लास्ट क्वार्टर के सितंबर से भी कंपेयर करें तो वहां पे भी रेवेन्यू घटा, इसलिए स्टॉक गिरा। उसके बाद थोड़ा रिकवरी स्टॉक में आया ड्यू टू न्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स। आने वाले क्वार्टर के अगर रिजल्ट अच्छे तो डेफिनेटली एक शार्प बाउंस बैक हम देख सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको 2 व्हीलर में बाय करना है। टॉप पिक है टीवीएस मोटर्स एंड आइशर मोटर्स। आई डोंट लाइक बजाज ऑटो एज वेल बिकॉज न्यूज डिपेंड टॉक एंड हीरो मोटोकॉर्प जो उतना न्यूज में नहीं रहता, बट डेफिनेटली ये स्टॉक का नीचे मिल आपको बाय करना है क्योंकि एक रेंज में ट्रेड करता है। अगर नेट प्रॉफिट देखें 611 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 703 करोड़ था, सो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट विल डिसाइड एवरीथिंग। सेल्स नंबर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर मंथ ऑन मंथ इंप्रूव होने वाले हैं, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आर अबाउट टू स्टार्ट एंड नेक्स्ट 6 महीने में बहुत अच्छे इनके फिगर्स आएंगे, रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें वह पीएस के साथ कंपैरिजन, एज आई सेड देयर आर मेनी कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, बट अगर हम मार्केट कैप देखें बजाज ऑटो इज द लीडर 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, आइशर मोटर 72,000, हीरो मोटर 50,000, टीवीएस 35,000। सो डेफिनेटली जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो मेटल के प्राइस है उसमें हमने गिरावट देखा, सो इनके लिए बहुत ही एक अच्छा चीज है क्योंकि इनका मार्जिन जो है उसमें इंपैक्ट आएगा। रॉ मटेरियल प्राइस घटेंगे जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा एंड डेफिनेटली ये अपने कस्टमर को थोड़े डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे, अपने मार्जिन को इंप्रूव कर पाएंगे एंड डेफिनेटली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप आएगा एंड ओवरऑल सेल्स भी बढ़ेगा। सो दीज आर द फैक्ट। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक, जहां से हमको ये देखने को मिलेगा जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 35% एंड लुक एट द एफआई होल्डिंग ऑलमोस्ट 30%। सो एफआई का बहुत अच्छा स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 12% है, बीआई का उतना बड़ा स्टेक नहीं। सो एफआई का स्टेक ज्यादा होने के कारण अगर सेल ऑफ आता है सो आपको वहां पे बाई करना है। ये अच्छा मौका है स्टॉक को बाई करने के लिए। आई डोंट थिंक सो बहुत नीचे आएगा, सो डेफिनेटली लॉस के चांस कम है। ऊपर आए तो डेफिनेटली यहाँ से 7-8% तो जाएगा। 2800 अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है सो 3000 विल बी नेक्स्ट टारगेट। सो 2600 उससे नीचे अगर मिलता है तो आपको बाई करना है। 6 महीने का आपका टारगेट होगा, आपको फिक्स डिपोजिट से ज्यादा रिटर्न स्टॉक को मिलेगा। दिस स्टॉक इज नॉट दैट मच वोलाटाइल, सो डेफिनेटली आप स्टॉक को स्टार्ट कर सकते हो। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आज के सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।